हाई एंड वेलकम बैक आज की वीडियो में मैं जो रेफरेंस ड्रॉ करूंगा उसमें एंटोलोमिक्स की मेथड अप्लाई करूंगा। बट ये कोई एक सिंपल एंड मेथड नहीं है इसमें मैं कुछ एडवांस्ड फीचर्स ऐड करूंगा। uh, जैसे कि ये जो स्कल है उसके हेल्प से मैं प्लेनर स्ट्रक्चर डिफाइन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल टॉप ले फ्रंट लेन साइड ले तो so, ये पूरा एक एज अ शेप उसके बाद उसमें सारे प्लेन्स कहाँ पर आएंगे और उन हर एक प्लेन में उसको हम लोग वापस कैसे सेपरेट करेंगे लेफ्ट वर्सेस राइट एंड सो वाइट्स तो ये सारा मैं मेथड यहाँ पे अप्लाई करूँगा इसके साथ ही कुछ बोन लैंडमार्क्स जैसे कि ये प्रावरेज है या फिर ये कॉर्नर है जैसे कि ये चीक बोन है सो ये, so, ये सारे एरियाज में इस मेथड में डिफाइन करूँगा सो बेसिकली ये में थोड़ा सा एडवांस लेवल है जाते हुए ये सारे प्लेन्स के बारे में बात करूंगा इसके साथ ही सब्जेक्ट के ऊपर जो बियर्ड है या फिर मुस्टैच है या उसके जो लंबे बाल है ये कैसे इफेक्ट करते हैं और उसके नीचे जो हिडन स्ट्रक्चर है वो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा सो लेट्स बिगिन स्टेप वन ड्राइंग बिग शेप्स एंड प्लेन्स स्टार्ट करूंगा एक जोमेट्रिक शेप के साथ जिसकी मैं लेंथ वर्सेस विथ कंपेयर करूंगा उसके बाद वो हेड किस डायरेक्शन में देख रहा है लेफ्ट या राइट right या फिर कितना राइट right की तरफ देख रहा है उसके हिसाब से मैं वर्टिकल लाइन ड्रा करूंगा और एक हॉर्जेंटल लाइन ड्रा करूंगा कि वो कितना ऊपर या फिर कितना नीचे देख रहा है रूल ऑफ थर्ड्स अप्लाई करने के लिए मैं एक ओवल शेप ड्रा करूंगा जिससे मुझे हेयर लाइन और नोज़ की बेस लाइन मिल जाएगी ये लाइन्स को जब मैं एक्सटेंड करूंगा रिस्पेक्टिवली तो ये रूल ऑफ थर्ड्स अप्लाई हो जाएंगे और नोज लाइन से जो ब्राउ लाइन है वो सेम लेंथ में नीचे ऐड करूंगा तो मुझे चिन लाइन मिल जाएगी ये सारी कर्व लाइन है क्योंकि वो, उस बॉल के गिर्द या फिर उस स्पीय के गिर्द घूम रही है सेंटर लाइन को जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो मुझे मैं क्लियरली सेपरेट कर रहा हूं राइट वर्सेस लेफ्ट हेड जो आईब्रो लाइन है उसको जब मैं एक्सटेंड करूंगा, वो एक स्ट्रेट हार्ड शार्प लाइन होगी क्योंकि वो एक फ्लैट प्लेन है जिससे मुझे ईयर मिल जाएगा उसके बाद मैं जॉ लाइन को डिफाइन करते हुए चीक बोन लाइन में डिफाइन कर दूंगा इससे पूरा मुझे एक हेड की आउटलाइन मिल जाएगी जिससे टॉप फ्रंट और साइड प्लेन मिल जाएगा अब इस स्टेप के बाद मैं चेक करूंगा कि कुछ मिस्टेक्स है क्या सो so, अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा एंगल नीचे की तरफ होना चाहिए ये जो हेयर लाइन ब्राउ लाइन और नोज लाइन है तो वो मैंने डिफाइन कर दिया है स्टेप टू ड्राइंग इनर शेप्स एंड प्लेन्स। फ्रंट और साइड प्लेन को डिवाइड करने के लिए कर्व लाइन ड्रॉ करूँगा उसके बाद जो आँखों के ऊपर कॉर्नर वाला है वो लाइन ड्रॉ करने से मुझे आई सॉकेट कहाँ तक आना चाहिए ये पता चल रहा है और ये प्लेन अंदर की तरफ जा रहा है और उसी को जब मैं कर्व लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो उससे मुझे ब्राउरिज मिल जाएगा उस ब्राउरिज के नीचे या फिर उसके ऊपर कहाँ तक आईब्रोज आना चाहिए ये एक बोनी लैंडमार्क है जिससे मुझे पता चलेगा हेड का जो आउटर पोर्शन है जैसे कि जॉ लाइन है या फिर जो चीक बोन है वो मैं कितने एंगल है वैसे मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ उसके बाद नोज़ का जो टिप है उसकी मैं प्लेसमेंट करूँगा जिससे परफेक्टली पता चलेगा कि ये हेड कहाँ पर देख रहा है या कहाँ उसे देखना चाहिए सो so ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि मैं उसका एक लैंडमार्क ले लूँ अब नोज़ को वापस एक बड़ा शेप समझ लो जिसका मैं आउटर शेप ड्रा करूँगा जिसकी बाउंड्रीज डिफाइन करूँगा और उस पूरे शेप को वापस स्प्लिट करूँगा साइड प्लेन और टॉप प्लेन क्योंकि अभी नोज़ के बस मुझे दो ही साइड्स दिख रहे हैं एक तो उसका टॉप प्लेन है और उसके बाद उसका जो साइड प्लेन है साइड प्लेन को कनेक्ट करने के लिए मैं पहले राइट right वाला आईब्रोस कंप्लीट कर लूंगा और उस आईब्रोस के बीच का जो एरिया है ग्लोबेला वहां से एक स्लांट लाइन ड्रॉ करते हुए इस शेप को मैं कंप्लीट करूंगा जिससे मुझे एक थ्री डिमेंशनल नोज का स्ट्रक्चर या फिर प्लेनर स्ट्रक्चर मिल जाएगा नोज के बेस लाइन से दो पैरल वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करूँगा जिसे अपर लिप को कनेक्ट करने से फिल्ट्रम वाला पोर्शन मिल जाएगा उसके बाद मैं तीन पैरल हॉर्जनटल ड्राइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे मैं ये पता कर सकूँ कि उसकी एंगल क्या है विथ रिस्पेक्ट टू नोज लाइन उसके बाद आई लाइन और चेन लाइन कभी कभी डायरेक्टली लिप्स ड्रॉ करने से वो टिल्ट हो जाता है या ऊपर नीचे हो जाता है तो वो सब डिफाइन करने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसके बाद जो नॉस्ट्रिल है वहाँ से जो लिप के कॉर्नर तक आता है वो नेजोबियल क्रीज में ड्रा कर रहा हूँ लिप के एंगल को मैं स्लाइटली एडजस्ट कर रहा हूँ स्टेप थ्री कैरेक्टराइजेशन इस स्टेप में मैं एक्चुअल बाउंड्रीज जो हेड के अराउंड है वो ड्रॉ करूँगा जो अदर हेड पार्ट्स है जैसे कि हेयर मस्टैच बियर्ड ये सारे वाले पार्ट्स मैं यहाँ पे ड्रॉ करके उसको एक कैरेक्टर बिल्ड करूँगा यानी उस हेड का जो कैरेक्टर है वो इस स्टेप में डेवलप करूँगा यहाँ पर मैं स्ट्रेट और कर्व लाइंस का इस्तेमाल करते हुए उसकी बाउंड्रीज डिफाइन करूँगा एक वर्क कर रहा हूँ मैं कि कान से साइड लॉक्स कहाँ पर आना चाहिए उन दोनों के बीच में आ, बीच में एज एन आई सॉकेट है और जो कान है उसके बीच में कहाँ आना चाहिए वो मैं थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ यानी कोशिश कर रहा हूँ कि उसके एक अंदाज से एक प्लेसमेंट कहाँ आना चाहिए वो मैं प्लेसमेंट्स अंदाज से ड्रॉ कर रहा हूँ लेटर ऑन मैं पेंसिल की मदद से एक्चुअल में मेजर करके उसको मैं डिफाइन करूंगा उसकी एग्जैक्ट पोजिशन अभी जैसे कि हमारे सारे फीचर्स फीचर्स अभी ऐड नहीं हुए पर फीचर्स के जो प्लेसमेंट्स है वो ऐड हुए उसके वजह से ये जो भी है जैसे कि हम लोग मैं अभी बी ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ एग्जैक्ट नहीं बट टेंटेटिव लोकेशन कहाँ आनी चाहिए वो मुझे यहाँ पे जज करने में या फिर प्लेस करने में काफ़ी आसानी हो जा रही है सो so, बस वही है कि बी एड को अभी मैं गैस वर्क करके ड्रॉ कर रहा हूँ एक मार्क पुट कर रहा हूँ उस मार्क पुट करने के बाद फिर मैं एक्चुअली कंपेयर कर रहा हूँ मेरे एक्चुअल रेफरेंस के साथ कि ये कितना एंगल uh, कितना ज़्यादा है या कितना कम है या कितना स्ट्रेट है कितना वाइड है ये सब टेंटेटिवली गेस वर्क करके मैं वो सारे लाइन्स uh, ड्रॉ कर रहा हूँ इसी स्टेप में थोड़े से जो फीचर्स है उसको मैं रिफाइन करते हुए उसको एक फाइनल डिज़ाइन की तरफ ले जाऊंगा नेक के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है ये कहाँ से मैच हो रही है क्या वो टीयर डक्ट से हो रही है या फिर वो सेंटर लाइन से हो रही है उस हिसाब से मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ ज़्यादातर मेरी लाइंस जो है वो स्ट्रेट या फिर आई मीन स्ट्रेट एज इन कर्व लाइंस का इस्तेमाल कम कर रहा हूँ और स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि अभी सिर्फ मैं उनकी एक टेंटेटिव पोजीशन डिफाइन कर रहा हूँ उसके गले में जो जो मालाएँ हैं या फिर उसकी जो शर्ट की बाउंड्रीज है वो मैं उतना प्रिसाइजली नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ मैं उसको बस बस एक एस्टिमेटेड कुछ स्ट्रोक्स स्ट्रोक अप्लाई कर रहा हूँ अभी मैं नीडेड इरेजर को एक सिलेंड्रिकल फॉर्म देके उसको बस पेपर पे रोल करूँगा सो दैट अनवांटेड लाइंस या फिर जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाए और ये लाइट होने के वजह से अब मैं उस पर जो एक्चुअल शेप होगा जैसे कि आईब्रोज़ है उसका जो डिफाइंड शेप है जैसे कि वो सिर्फ स्ट्रेट लाइंस नहीं है उसमें कुछ कर्व्स भी है तो ये सब लाइंस डार्क करने के लिए मैं नीचे वाला थोड़ा लाइट कर दूंगा पोर्शन और मैं मूव कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट सो दैट लेफ्ट में जो बनाया है वो मैच हो सके प्रोपोर्शनेटली टू माई राइट साइड उसके बाद जो अपर आई बॉल के लिड्स हैं वो मैं लेफ्ट टू राइट एक कर्व में ड्रॉ कर दिया मैंने उसकी वजह यह है कि सिर्फ पैदल लाइन ड्रॉ करने से आग ऊपर या नीचे ये पता चलेगा बट उस कर्व लाइन से मैं लेफ्ट टू राइट ड्रॉ कर रहा हूँ और उनके जो प्रोपोर्शंस है उनके जो विड्थ है वो भी कॉमन हो जाएगा और वो पूरा एक वन फैमिली या फिर वन ग्रुप में लगेगा और उसमें अगर कुछ अगर मैं फर्स्ट लेफ्ट कर लेता हूँ और फिर राइट right कर लेता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमेशा एक आँख छोटी हो जाती है एक आँख बड़ी हो जाती है और बाद में फिर ये भी पता चल जाता है कि लेफ्ट वाली तो अच्छी हो गई है पर राइट right वाली सही नहीं हुई फिर उसको इरेज करने का मन नहीं होता है इसीलिए मैं मूव करता हूँ लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट वॉइस वर्सा साइड बाय साइड मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उनको कंपेयर कर रहा हूँ मूविंग टू द बॉटम आईलेट नीचे वाले जो आईलेट है वो खत्म करके मैं अंदर प्यूपल ड्रॉ करूंगा काफी कम वाला स्क्लेरा uh, पोशन दिख रहा है मुझे उसके बाद वहाँ पे मुझे एक शार्प एंगल दिख रहा है हिंदी सब्जेक्ट के लेफ्ट आई के यहाँ पर ये शेडो शेप्स भी मैं इसी के साथ ड्रा करूँगा लेफ्ट आई मुझे लग रहा है थोड़ा सा छोटा हो गया है उसे मैं थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ उसके बाद लोअर uh, आईलिट के नीचे जो पॉकेट है वो ड्रा करूँगा आई लैशेस काफी स्ट्रोक से आ गए हैं विच आई एम नॉट हैप्पी अबाउट सो इसको इरेज करके मैं उसको ग्रुप में ड्रा करूँगा उसके बाद जैसे मैं नोज़ ड्रॉ कर रहा हूँ इनिशियली वो स्ट्रेट लाइंस थे अब जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कर्व लाइंस है मैं उसको कर्व बना रहा हूँ जैसे कि उसके नॉस्ट्रिल्स है उसके बाद उसका जो टिप है और जैसे मैं ये ड्रा कर रहा हूँ उसके बाद मैं कंपेयर कर रहा हूँ कंपेयर में जब पता चलता है ये कितना ज़्यादा या कम हुआ है उसके हिसाब से मैं उसको वापस रिक्रेक्ट करता हूँ रिकरेक्ट करने के लिए पहले कुछ ड्रॉ करना पड़ता है और फिर आप पता चलता है कि ये कितना सही या कितना गलत हुआ है जैसे कि मूस्टैच और बी के लिए मैंने क्रिसक्रॉस लाइन्स और जिकजैग स्ट्रोक्स देना शुरू कर दिया है यानी वो कॉम्बिनेशन है कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन्स नहीं गए या फिर सिर्फ क्रिसक्रॉस लाइन्स ही नहीं होगी क्योंकि उसको मैं एज एक फॉर्म या फिर एक मार्स की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसीलिए मैं उसे कॉम्बिनेशन में ड्रॉ करूंगा जहां पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा उसको मास ग्रुप कर सकता है, तो है कि नहीं यार यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग की जरूरत है तो वहां पर मैं क्रिस क्रॉस लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ या फिर वो जिक्सैक्ट पैटर्न या टेक्स्चर ड्रा कर रहा हूं तो इससे ना एक हारमोनी बन जाती है मूविंग टू यर यहाँ पर मैं उसको वन थर्ड डिवाइड कर दूँगा जिससे मुझे ये पता चलेगा नीचे कितना ड्रा करना है जहाँ पे वो जो होल जैसा दिख रहा है ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा बड़ा हो गया है ऊपर से उसको थोड़ा मैं ठीक कर दूँगा और जैसे आप देख रहे हो अभी मैं मैं फिर से उसको मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी क्योंकि मैं अभी सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ और उसको एक प्लेसमेंट दे रहा हूँ स्ट्रेट लाइन ड्रा करने से ये पता चल जाता है वो जो आप बना रहे हो वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है और अगर सही नहीं बन रहा है तो उसको आप इरेज कर सकते हो ड्राइंग ऑल स्ट्रेट लाइन में अगर कन्वर्ट करते हो तो चीज़ें काफी सिंपल और ईजी दिखने शुरू हो जाती है एंड दैट्स द होल एम डूइंग सो अंदर वाला जो पोर्शन है जहाँ पे शेप्स उसके दिख रहे हैं तो वो बस शेडो शेप्स को एक फॉर्म को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ यूजिंग सिंपल एंगल्ड लाइन्स वर्टिकल लाइन एंड हॉर्टल लाइन्स हेयर के नीचे एक शेडो कास्ट हो रहा है तो वो ड्रॉ करूंगा अभी मैं मैं जनरली हेयर के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचता हूँ क्योंकि वो एक फ्री फ्लोइंग फॉर्म फ्री फ्लोइंग फॉर्म है उसके फॉर्म्स को मैं जस्ट सजेस्ट करता हूँ क्योंकि वो एज उतना होने की जरूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है अभी हेयर पर भी मैं हर एक छोटे छोटे बाल ड्रॉ नहीं करूंगा बस एक सजेस्ट करूँगा फर के लिए भी मैं वैसे ही सॉरी फर के लिए भी मैं जिकजैक्ट लाइन्स ड्रा करूँगा उसके बाद नेक के नीचे जो कास्ट हो रहा है शेडो जो स्टर्नम को अटैच हो रहा है मसल वो वाले साढ़े पोर्शन ड्रा करूँगा अब जो अंदर वाले लाइन्स है लाइन्स है उसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है मुस्टैच सॉरी बियड जो है वो सही से नहीं आ रही है ओके okay, भी और ज़्यादा अनवांटेड लाइंस इरेज करके फाइनल डिटेल्स कुछ ऐड कर रहा हूँ उसको और रिफाइन कर रहा हूँ जैसे कि प्यपल के नीचे और नीचे वाले आईलिड के बीच में जो गैप है वाइट एरिया है उसको मैं डिफाइन करूँगा उसके बाद जो आईब्रोज है उस पर भी क्रिस क्रॉस लाइन्स ऐड करूँगा उसके बाद कुछ शेप्स है कुछ क्रीजेस है वो ऐड कर दूँगा मैं जो अनवांटेड लाइंस है अभी भी जो दिख रही है जो मैं चाहता हूँ ना यू मैं उसको बस इरेज कर रहा हूँ और हम जस्ट मूविंग ओके okay, हेयर को मैंने अभी जो छोड़ दिया था उसे मैं थोड़े से डिटेल्स ऐड करूंगा जैसे कि कुछ लाइंस है जो रिप्रेजेंट करेगा हेयर को उसके बाद करली करली स्ट्रोक्स है जो रिप्रेजेंट करेगा उसके पीरियड को सो आई थिंक इट आई होप यू गाइस है दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन सब्सक्राइब एंड हिट दैट लाइक बटन थैंक यू